Good morning, student. Today we start chapter 1st of English subject, class 3rd. So you have to, for this, open your book at page number 7, your English notebook, Twilight. Open it, page number 7. Before we start the chapter, warm up your mind, and you have to identify in these pictures the cornfield. The corn field. In me se kaun sa field hai jo makka ka hai, jo makka hoti hai, bhutte jo hote hai jo aap khate ho, kaun sa field hai in me se. So first is wheat, barley, and this one is cornfield. Okay, this field is cornfield. Now we have to start this chapter. Before we start this chapter, I explain you about this poem. It's a poem written by Christina Rossetti. Okay, in this poem, the author describes about life and nature. जीवन और प्रकृति के बारे में इस poem में हमें explain किया गया है. हाँ, what is the life with nature? तो here is the bird, two butterfly, and this author moving in the field of corn, and what happening there is described by completely by this poem. इस poem के माध्यम से इन्होंने पूरा हमको explain किया कि क्या क्या आप जब field में जाते हो, हाँ खेत पे जाते हो, तो क्या क्या आपके साथ होता है, कौन कौन से event होते हैं. Okay, so here we start this poem. The earth was green. The earth was green. The sky was blue. The sky was blue. You know that in the spring season, बरसात का जो मौसम होता है, उसमें क्या होता है? Earth was green. जो earth होता है, जो हमारी धरती होती है, वो green color की होती है. Because around us, all the plants grow. सारे की सारे जो छोटे छोटे घास है या हमारी फसलें हैं, तो इन द स्प्रिंग सीजन दे ग्रो मोर. ओके, द स्काई वाज ब्लू. तो स्काई का कलर जो क्या है? ब्लू. ओके, ग्रीन ब्लू. आई सा एंड हर्ड वन सनी मॉर्न. मॉर्न हियर ही सॉट द मॉर्निंग. ओके, ही सॉट द मॉर्निंग. सो वी रीड इट मॉर्निंग. आई सा एंड हर्ड वन सनी मॉर्निंग. ओके, आई सा मैंने देखा, एंड हर्ड सुना, वन सनी मॉर्निंग एक अच्छी सुबह, एक जिसमें सूरज अच्छी तरह निकलता है, सूर्य. ओके, लाइट होता है, ब्राइटली मॉर्निंग होती है. तो उस मॉर्निंग को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये एक फील्ड में गई और क्लाइमेट कैसा था, सनी था इन द मॉर्निंग. ए स्काई लार्क, ए स्काई लार्क हैंग बिटवीन टू, हैंग बिटवीन टू, दिस वन एंड दिस वन, हैंग बिटवीन टू. स्काई लार्क मीन्स सिंगिंग बर्ड. स्काई लार्क मीन्स सिंगिंग बर्ड. ओके, ए सिंगिंग बर्ड, ए स्काई लार्क हैंग बिटवीन, हैंग उड़ रही है, फ्लाइंग, बिटवीन टू, टू मीन्स अर्थ एंड द ब्लू स्काई. अर्थ एंड द ब्लू स्काई, इन द इन बिटवीन ब्लू स्काई एंड ग्रीन अर्थ, ए स्काई लार्क हैंग, यानी एक जो बर्ड है वो सिंग कर रही है स्काई के बीच में
और अपने अर्थ के बीच में। ए सिंगिंग स्पेक अबाउट द कॉर्न, ए सिंगिंग स्पैक, स्पैक मीन्स डॉट, स्पैक्स मीन होता है डॉट, बट हियर इज ए बर्ड, हियर इज द बर्ड, ए सिंगिंग स्पैक, हियर वी से बर्ड स्पैक, बट ओरिजिनल मीनिंग ऑफ स्पैक इज ए डॉट, ए डॉट, ए सिंगिंग स्पैक, एक फ्लाइंग बर्ड अबव द कॉर्न, हियर इज द कॉर्न फील्ड, अबव द कॉर्न, ए स्टेज बिलो इन ए गे अकॉर्ड, ए स्टेज बिलो इन ए गे अकॉर्ड, स्टेज बिलो ये मीन्स थोड़ा सा नीचे, ए स्टेज बिलो, ए स्टेज बिलो, थोड़ा सा नीचे, इन ए गे अकॉर्ड, गे अकॉर्ड मीन्स गुड मूड, गे अकॉर्ड मीन्स हैप्पी, वेरी हैप्पी मूड, इन वेरी हैप्पी मूड, व्हाइट बटरफ्लाई, व्हाइट बटरफ्लाई डांस्ड ऑन द विंग, डांस्ड ऑन द विंग, जो व्हाइट बटरफ्लाई है वो अपने विंग्स पर, पंखों पर, पंखों के साथ क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो स्काई लार्क सिंगिंग कर रहा है और ये क्या कर रही है, ये डांस कर रही है, क्या कर रही है, डांस, बटरफ्लाई आर डांसिंग, ओके। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काई लार्क सॉल्ड, और स्टिल सिंगिंग, अभी तक जो स्काई लार्क है, जो सिंगिंग बर्ड है, वो क्लाइंब हाई यानी सॉर्ड मीन्स क्लाइंब हाई यानी बहुत ऊपर जाके भी, बहुत ऊपर जाके अभी भी वो सिंग कर रही है, और ऊपर उड़कर अभी भी वो सिंग कर रही है, गाना गा रही है। ए साइलेंट सेंट एंड ए सॉर्ड टू सिंग, ए साइलेंट सेंट यानी बिल्कुल साइलेंस, एकदम साइलेंस हो गया। सेंक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंक मीन्स गो बिलो, द साउंड तो बिलो गया और बर्ड कहाँ गई, हाई पे गई। ए सॉर्ड टू सिंग, जो सिंग है वो गाना है वो हाई पे गया, ओके। द कॉर्न फील्ड स्ट्रेच ए टेंडर ग्रीन, कॉर्न फील्ड जो जो आपका जो मक्का का फील्ड है, जो कॉर्न फील्ड है वो स्ट्रेच फैला हुआ है, ए टेंडर ग्रीन यानी एक बहुत ही ग्रीनिश वे में, बहुत ज़्यादा हरा, जिसे हम बोलते हैं टेंडर ग्रीन मीन्स बहुत ही ज़्यादा हरा। जो ये पॉइंट है, पॉइंट के दोनों तरफ, दोनों साइड पे वो फैला हुआ है। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माय वॉक, यानी पॉइंट जो चल रहा है तो उसके दोनों तरफ जो स्ट्रेच फैल रहा है पूरा कॉर्नफील्ड, ओके, इन्हें बहुत ही ज़्यादा हरा है। आई न्यू ही हैड नेस्ट अनसीन, यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है, आई न्यू मैं जानती हूँ, ही हैड उसके पास है नेस्ट अनसीन, एक नेस्ट घोंसला है जो मैं नहीं देख सकती, यानी एक नेस्ट है जो मैं नहीं देख सकती, समवेयर अमोंग द मिलियन स्टॉक, समवेयर होगा अमंग द मिलियन, ये जो बहुत सारे भुट्टे के तने हैं, स्टॉक मीन्स स्टेम, स्टॉक मीन्स स्टेम, स्टेम, स्टॉक मीन्स स्टेम तना, मिलियंस ऑफ जो प्लांट है, कॉर्न प्लांट है, इनका जो स्टेम है उनके बीच में कहीं उसका नेस्ट होगा। And as I paused to hear his song, and or I paused यानी बंद कर दिया, to hear his song, जो बर्ड का, जो स्काईलार्क का जो सॉन्ग था, सिंगिंग बर्ड का जो सॉन्ग था, वो मैंने अब सुनना बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत हाई, बिकॉज ही लेफ्ट अवे, ही फ्लाई अवे, ओके, बहुत दूर उड़ गई है। While shift the sunny movement slide, जबकि जो सनी मूवमेंट था थोड़ा सा तेजी से स्लाइड हो गया, यानी शिफ्ट थोड़ा सा अलग हो गया, स्लाइड हो गया, दूसरी तरफ हो गया। परहैप्स हिज मेट सीट लिसनिंग लॉन्ग,
Perhaps शायद his mate sat listening long. अभी भी जो उसकी साथी है, बर्ड का जो साथी है वो कहीं कॉर्न फील्ड में होगा और अभी भी वो उसका सॉन्ग जो है वो लिसन कर रहा होगा, सुन रहा होगा. एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, और जो मैं सुन रही हूँ उससे ज़्यादा वो सॉन्ग वो लिसन कर रहा होगा. तो इट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी द ग्रीन सॉरी ए ग्रीन कॉर्नफील्ड. हाँ ओके, व्हाट इज द इवेंट हैपनिंग देयर आई एक्सप्लेन यू कम्प्लीटली बाय दिस एक्सप्लेनेशन एंड बाय दिस प्रेजेंटेशन. सो यू हैव टू स्टडी एंड रीड दिस चैप्टर अगेन, दिस पोएम अगेन, एंड राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक इन कर्सिव हैंड राइटिंग. ओके, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दे ओके दिस ओके. सो हियर वी से थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ब्लू स्टार अकेडमी. ओके, वेरी थैंक यू वेरी मच.